दोस्तों, आपने टाइटल इमेज पर इफ़ेक्ट देख ही लिया होगा। हम इस तरह का इफ़ेक्ट कोरल ड्रॉ में भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ की एक नई फाइल खोल लेते हैं और इसके पेज को यहाँ लैंडस्केप पर क्लिक करके घुमा लेते हैं। मैंने यहाँ A4 साइज़ लिया है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ भी साइज़ ले सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पेज पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ ऐड पेज फ्रेम पर क्लिक कर देंगे तो एक रेक्टेंगल इसी पेज साइज़ का बन जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ डायरेक्ट रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो भी ये बॉर्डर बन सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक शब्द लिख लेते हैं। मैं डिज़ाइन शब्द लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी शब्द और भी कोई और दूसरा शब्द भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि ये शब्द बहुत बड़ा ना हो और एक ही शब्द हो, क्योंकि ये इफ़ेक्ट केवल एक छोटे शब्द पर ही आ सकता है। ज़्यादा लंबे शब्द पर ये ठीक से नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं एक फॉन्ट लगा लेता हूँ, फ्यूचरा XBT बोल्ड। थोड़ा हैवी फॉन्ट रहता है तो डिज़ाइन का इफेक्ट अच्छा आता है। इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ तक ये ठीक है। इसे सेलेक्ट करके सबसे पहले हम यहाँ से कॉन्ट्रोल टूल पर क्लिक करेंगे। कॉन्ट्रोल टूल पर क्लिक करके इस यहाँ से हम थोड़ा सा कॉन्ट्रोल बना लेते हैं, लगभग इतना, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। और यहाँ से कलर हम इसका लगभग थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं, जिससे हमें ये दिखाई भी दे सके। चलिए एक इसमें पहले बैकग्राउंड भी तैयार कर लेते हैं, जिससे अगर हमें कहीं वाइट, क्योंकि हमें इस बॉर्डर को जो है वाइट कलर में रखना होगा, इसलिए पहले हम इसमें एक बैकग्राउंड कलर तैयार कर लेते हैं। चलिए रेड, ये तो नहीं, फिफ्टी का दिया है येलो। और इसमें हम थोड़ा सा रेडियल फिल डाल देते हैं। बीच का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गया है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। चलिए खैर ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ वाइट कलर को ही ठीक से दिखाना है। अब हम इस कॉन्टोर को ब्रेकअप कर लेते हैं कंट्रोल की दबा के। अब इस बैकग्राउंड पे ये वाइट कलर, इसको हम वाइट कलर कर लेते हैं पहले। ये हमने इसको वाइट कलर कर लिया है। अब इस पर हम एक्सट्रूड इफेक्ट लगाते हैं। ये एक्सट्रूड है, स्मॉल बैक वाला ही रहने दीजिए और उसको यहीं सेंटर में करके छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम इसको 5 से ज़्यादा मत रखिए,
अब हमें इसके जो बैक हिस्सा है उसमें थोड़ा सा कलर देना है। कलर देने के लिए हम एक्सट्रूड के इस वाले इफेक्ट पर यूज़ कलर शेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैं थोड़ा सा लाइट और उसके बाद थोड़ा और गहरा लाइट कलर यूज़ करना है। इसके बाद हमारा जो ये मेन ऑब्जेक्ट है जिस पर भी हमें एक और एक्सट्रूड लगाना है, इसमें हम थोड़ी सी ट्रैकिंग देंगे पहले, उसके बाद ही इसमें एक्सट्रूड देना सही रहेगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज खोल लेते हैं और यहाँ से ये जो है सर ट्रैकिंग का, यहाँ पर हम 7% कर लेते हैं और उसको बैक वाले एक्सट्रूड से सेंटर कर लेते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसका एक्सट्रूड बनाएंगे तो वो लगभग इसके सेंटर में सेट हो जाएगा। देखिए अभी देखते हैं जाते हैं कैसे होगा ये। चलिए इसमें एक सियान कलर भर लेते हैं और इफेक्ट से हम अब बजाय दोबारा एक्सट्रूड बनाने के, एक्सट्रूड को हम इससे कॉपी करते हैं। देखिए काफ़ी हद तक आ गया है इफेक्ट, बस हमें इसके कलर को ठीक करना है और कलर हमें इसमें यही लेके आना है जो हमें इससे मिलता जुलता कलर ही लेना है। वापस हम शेडिंग में ही आएंगे और यहाँ पर एक थोड़ा डार्क कलर और यहाँ हमें थोड़ा और अधिक डार्क कलर लेना होगा। हम इसमें कलर चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ मोर में जाएंगे, थोड़ा सा हमें कलर और इतना डार्क लेना है जिससे उसका शेड प्रॉपर अच्छे तरह से दिखाई दे। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इफेक्ट सही आ गया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और आपको डार्क करना है तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार और डार्क कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पर ही छोड़ूंगा। अब इसके बाद ज़रूरत होती है कि एक वाइट पतला सा शेड जिससे कि इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगे देखने में, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस एक्सट्रूड को, आप ध्यान दीजिए इस पे कि हमें इस सामने वाले सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है जो कि कंट्रोल टेक्स्ट है। कंट्रोल टेक्स्ट को नहीं, हमें पूरे एक्सट्रूड ग्रुप को ही सेलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से सेलेक्शन में यहाँ आ रहा है एक्सट्रूड ग्रुप ऑन लेयर वन। जब आपका ये सेलेक्ट हो जाए इसके बाद आपको कीबोर्ड से प्लस की दबानी है। इसके इसके ऊपर ही एक और कॉपी बना लेगा अपनी। अब इसमें हमें चेंज करना है, यहाँ डेप्थ को हमें 1 कर देना है और पीछे का जो शेड है उसमें कलर्स को हमें बदलना है। यहाँ पर हमें ये वाइट कर देना है, वाइट नहीं तो थोड़ा सा हम लाइट शेड लेते हैं ब्लू का और इसको भी थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम इसे थोड़ा सा और लाइट कर सकते हैं, येलो कलर की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है थोड़ा सा शेडो इफेक्ट देने की जिससे हमारा डिज़ाइन और इम्प्रेसिव लगे। सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड वाली लेयर पे, ये जो हमने बेस बनाया है उस पर शेडो डालेंगे, उसके बाद ऊपर वाले पे डालेंगे। सबसे पहले इस ड्रॉप शेडो एक्सट्रूड ग्रुप को ही हमने सेलेक्ट किया है, उसे कीबोर्ड से कंट्रोल जी दबा के ग्रुप बनाएंगे। अब इसमें हम ड्रॉप शेडो डालते हैं। अब इसमें ड्रॉप शेडो डालते हैं। यहाँ से ड्रॉप शेडो ओपेसिटी हम 100 करेंगे।
और शेडो फीदरिंग को टैन करेंगे। इसके बाद हमें एक काम और करना होगा, ये मर्ज मोड में जाकर के इसे हमें इफ डार्कर पर क्लिक करना होगा, जिससे शेडो का इम्पैक्ट थोड़ा हल्का हो जाए और वो ऐसा लगे कि बेस से ही यही शेडो है। ठीक है, इसके बाद हमें इस वाले एक्सट्रूड ग्रुप पर भी शेडो डालना होगा। ये हमने शेडो उस तरह से डाला। यहाँ पर हम फिर ड्रॉप शेडो ओपेसिटी 60 करते हैं और फिगरिंग को 10 कर देते हैं, थोड़ा सा इसको गहरा कर लेते हैं, लगभग ये इतना ठीक है। लीजिए, हमारा एक्सट्रूड इफेक्ट, 3D इफेक्ट तैयार है। आप इसे अपने डिज़ाइनों में कहीं भी बना करके अपने डिज़ाइन को और खूबसूरत बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।